नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल दुनिया पिंटू। दोस्तों देखिए, अगर आप फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो एक सर्विस के बारे में आप बखूबी जानते होंगे, फ्लिपकार्ट पे लेटर। फ्लिपकार्ट पे लेटर का मतलब होता है कि फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म है, पे मतलब पे करें, लेटर बाद में, यानी कि आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीद कर आप बाद में पे कर सकते हैं। और इसका नियम ये था कि आपको अगर फ्लिपकार्ट पे लेटर आपका एक लिमिट्स जो है दे देता है कि इतना आप शॉपिंग करिए, तो 1 से 30 तारीख तक जो आप शॉपिंग करते थे वो अगले महीने 5 तारीख को जमा करना पड़ता था। मान लीजिए कि आपने 1 तारीख को खरीदा कोई चीज़, तो अब आपको 1 महीने तक जमा नहीं करना है, अगले 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जमा करना है। और ये बढ़िया फीचर्स था, किसी को 10,000, किसी को 2,000, किसी को 4,000 ऐसे लिमिट्स मिले थे। तो आप जो है पैसा नहीं होता था, अगले महीने आपको पैसा आना है तो आप इस महीने जो है वो सामान मंगा लेते थे और अगले महीने पेमेंट कर देते थे। बहुत अच्छा प्रोसेस था और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और इसका यूज़ भी जो है वो कर रहे थे। काफ़ी जो फ्लिपकार्ट पे लेटर था, इस पर आप जो है आप कपड़ा खरीद सकते थे, कोई भी सामान खरीद सकते थे और इनफैक्ट आप खाने वाला सामान भी खरीद सकते थे, राशन भी जो है वो आप खरीद सकते थे। लेकिन ये बैन हो गया है, अनअवेलेबल हो गया है। आप जब फ्लिपकार्ट में जाकर देखेंगे तो फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो ऑप्शन है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। और जब आप क्लिक करते हैं तो लिखता है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर इज अनअवेलेबल। सेम केस जो है वो EMI को लेकर भी है। EMI में भी जो आपको फंड मिला था वो फंड जो है बंद हो गया है और आप जो है ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है वो उसका फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड EMI जो है अनअवेलेबल बता रहा है। अब सवाल ये है भैया कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इसका जो लोग भी यूज़ किया है उसको लत लग गई है, हैबिट्स हो गया है, क्योंकि भाई इस महीने मंगाना होता था, अगले महीने पैसा देना होता, तो ऑब्वियसली चीज़ें जो है बेहतर होती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसका क्या होगा, लोगों के जहन में कई तरीके के सवाल आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। देखिए, 15 जून तक फ्लिपकार्ट ने कहा था कि हम जो है RBI से बात कर रहे हैं, कुछ बैंक का जो इंटरकनेक्शन है ना उसका प्रॉब्लम चल रहा था। तो फ्लिपकार्ट जो पे लेटर है वो IDFC फर्स्ट बैंक प्रोवाइड करता है, तो बिटवीन द IDFC बैंक एंड जो वर्ल्ड बैंक है, जो यानी कि जो मेन बैंक है, उसके साथ जो है कुछ बातें चल रही थी। और फ्लिपकार्ट ने बताया था कि तकरीबन जो है 15 जून तक इस जानकारी को दे दिया जाएगा। 15 जून भी बीत गया, 15 जुलाई भी बीत गया, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल तौर पर अभी भी अपडेट नहीं आया है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर बंद होगा कि चलेगा, इसको लेकर कोई भी अभी तक जो भी जानकारी है वो नहीं आई है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जो IDFC फर्स्ट बैंक है वो पूरा का पूरा हमेशा के लिए जो है वो बंद कर दिया है, जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है वो पूरा का पूरा बंद कर दिया है और ये कभी भी वापस नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ लोगों का कहना। हालांकि फ्लिपकार्ट या फिर IDFC फर्स्ट बैंक पे लेटर जो है इस तरीके का कोई भी ऑथेंटिक तौर पर इसकी जानकारी जो है वो अभी तक नहीं दिया है। अब देखना होगा आगे क्या अपडेट आता है, लेकिन फिलहाल आप जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर से कोई भी चीज़ की शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि आपने जो ऑर्डर किया है पहले, फ्लिपकार्ट चाहे पे लेटर हो चाहे EMI वाला सिस्टम हो, उसको आपको भरना पड़ेगा, वो आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो आपके सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर आने वाले समय में अगर फ्लिपकार्ट ऐसा सर्विस इस्तेमाल करता है, बाद में कुछ नया चीज़ें बनाता है, तो वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये बात आप समझ लीजिए, ये बात आप जान लीजिए। तो एक अपडेट था, बाकी आपको क्या लगता है, क्या फ्लिपकार्ट IDFC फर्स्ट बैंक फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन लेकर फिर से आएगा कि नहीं आएगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए।